बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिटी 810 में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, और इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। वैसे ही आज फ्राइडे है, तो जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज कुछ चीज़ें मैंने लाइनअप की हुई थी कि मैं इंट्रो में उनको डिस्कस करूँगी। और सबसे पहला जो आज दिन दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो है वर्ल्ड एग डे। अंडों का आलमी दिन आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसका मकसद अंडों की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बताना है, अवेयरनेस फैलानी है, और लोगों के लिए, लोगों की न्यूट्रिशन के लिए, इंसानों के लिए कितने ज़रूरी हैं, प्रोटीन का रिच सोर्स है ये। इस हवाले से आज मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे, मुख्तलिफ सेमिनार्स होंगे, तो हम इस पर बात भी करेंगे। प्रोग्राम में एक स्पेशल सेगमेंट भी है वर्ल्ड एग डे के हवाले से। इसी के साथ मैं आपको बताऊँ, एक कैंपेन चलाई जा रही है हैंड वॉश डे, और उसमें जो है वो बीमारियों से बचाव को यकीनी बनाने के लिए हमें अपने समाजी रवैयों को तब्दील करना होगा और हाथ साबुन से धोना होंगे। ये कैंपेन चलाने जा रहे हैं जी हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से, डीजी हेल्थ की कल ये स्टेटमेंट थी। एक अच्छी कैंपेन है जिसको मैं कंप्लीटली इंडोर्स भी करती हूं और सपोर्ट भी करती हूं। इसी के साथ आज वेदर कैसा रहेगा ये शामिल कर लेते हैं टुडेज वेदर में। जी, मौसम की अपडेट्स हम आपको बता दें। दर्जा हरारत कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहेगा, सबसे पहले आपको बताएं, सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत था 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 बजे था 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे के करीब दर्जा हरारत एक्सपेक्ट किया जा रहा है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और 6 बजे शाम को 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रात को मतलब साफ रहेगा और दर्जा हरारत रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और चूंकि बहुत से लोगों का आज वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, तो हम आपको बताते हैं शहर में आज इवेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले टुडेज डायरी शामिल करेंगे। टुडेज डायरी में सबसे पहले आपको बताऊं, एक बहुत ही स्वीट एंड स्पेशल मोमेंट होने जा रहा है। बास्किन रॉबिन्स की सेकंड एनिवर्सरी है, और इस हवाले से जी ब्लॉक DHA में एक पूरा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत ही जबरदस्त इवेंट होगा, बास्किन रॉबिन्स की सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। और गुलबर्ग 2 में फॉर्मल कलेक्शन पंख सोफिया की जानिब से आज लॉन्च की जा रही है, कॉलेज रोड गुलबर्ग 2 इसका वेन्यू है। टाइमिंग है 5 बजे से 8 बजे। और इसी के साथ टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं आज की हमारी लीड स्टोरी क्या है। लिबर्टी में इको फ्रेंडली फॉरेस्ट ब्रिज, जोहर टाउन में 44 कैनाल पर एंटरटेनमेंट पार्क बनेगा। नवाज शरीफ शुगर मिल्स केस में भी गिरफ्तार, आज नैब अदालत पेश किए जाएंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल, अस्पतालों में इलाज मुआवजा बंद। अराकिन असेंबली का मनपसंद मंसूबा पुरस्कार, बल्दियाती मंसूबे ठप। ये थी माई टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिर्फ Y2 के सीनियर रिपोर्टर दुरन आयाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरन, क्या हाल चाल है आपके? दुरन आयाब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज की हमारी लीड स्टोरी, लिबर्टी में इको फ्रेंडली फॉरेस्ट ब्रिज बनाया जाएगा। आप ही की खबर है, जोहर टाउन में भी 44 कैनाल पर एंटरटेनमेंट पार्क बनाया जाएगा। ये नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, पुरानों का क्या हुआ जो कम्प्लीट होने? बिल्कुल आपकी बात सही, और आपने एक ही क्वेश्चन में दोनों को काउंटर कर दिया। पुराने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो डिले हैं, और डिले के साथ साथ उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी तक ऐसे हैं, कुछ फंड्स में कमी है। जिस तरह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, उनके फंड्स नहीं मिले। उसके बाद जो फ्लाईओवर के मंसूबे थे, शौकत खाना फ्लाईओवर, वो कम्प्लीट तो कर लिया गया, उसके फंड भी पेंडिंग है। अरीना प्रोजेक्ट, एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, वो जो अब खंडर बन गया, जो अब खंडर बन गया, वो भी है। लेकिन इसके साथ खड़ा करके आपने, मेरा ये अपना एक तजिया है कि जब कोई नया अफसर आता है या कोई नई हुकूमत आती है, तो वो अपने पुराने को पीछे छोड़ देती है और आगे लेके चलती है चीज़ों को, नए तरीके से प्रोजेक्ट अपने हाईलाइट करती है। अंदर की खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब एक्सपेक्टेड है LDA में कुछ दिन बाद, उनका दौरा है, और उस LDA के दौरे के दौरान उनको कुछ नए प्रोजेक्ट्स पेश किए जाएंगे मंजूरी के लिए। मौके पे मंजूरी ली जाएगी क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब अब चेयरमैन LDA भी हैं, तो उनके लिए ये 3 प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए गए हैं, जिसमें लिबर्टी में इको फ्रेंडली ब्रिज है। पहली मरतबा LDA का दौरा, पहली दफा LDA का दौरा, डेढ़ साल में, जब से PTI गवर्नमेंट जब से एस्टेब्लिश हुई है, तो चेयरमैन LDA बतौर
उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला ख़ुद पहुँचेंगे वहाँ पर, एल डी में आएंगे, ब्रीफिंग लेंगे, ब्रीफिंग लेने के साथ बहुत सारे जो एल डी की सर्विसेज हैं जो वो कहते हैं कि जी हम क्लेम कर रहे हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी की तरफ, उसका मुआयना करेंगे। कुछ उन्होंने इफ्तिताह करने हैं, जिस तरह डैशबोर्ड्स हैं, इंसाफ पोर्टल है, शिकायत सेल हैं, और एल डी से ब्रीफिंग लेनी है कि नया उनका विजन क्या है। तो मेरा ये ख्याल है कि एल डी ए का ये बहरहाल थोड़ा सा बेहतर विजन है कि वो पब्लिक प्रोजेक्ट की तरफ आ रही है, पार्कों को स्टैब्लिश करने आ रही है, पहले से जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं उनको अपग्रेड करने आ रही है। ये जो दो पार्क हैं ये पहले से मौजूद हैं लेकिन ना होने के बराबर। एक तो जीवन मार्केट से साथ F2 का लाकास के बिल्कुल सामने एक पार्क है, अबंडेंट पार्क है, वहाँ पे कोई ऐसा मज़ेदार एक्टिविटी नहीं है ना कुछ होता था। दूसरा अलीम डार अकेडमी से रिलेटेड एक 44 कनाल इनके पास पड़ी है जो कि बिल्कुल ही बेकार थी, वीराने थे, उसको डिवेल्प कर रहे हैं। इसके अंदर दोनों पार्क के अंदर बच्चों के लिए लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं कि अगर आप बाहर जाएं तो आप देखते हैं कि बच्चों के पास रॉक वॉल भी होती है और वॉल क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जी, ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उसके बाद वाटर स्पोर्ट, छोटी छोटी सी वाटर स्पोर्ट्स होती हैं, उसके बाद डॉजिंग कार्स हैं बच्चों के लिए, उसके साथ खाने पीने की चीज़ें हैं, फिर वहाँ पे बहुत सारे एक्साइटेड गेम्स के और एडवेंचर ट्रिप्स के। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आला दौरा करेंगे एलडीए का और उस मुनासबत से बस ये प्लान जो है उनको पेश कर दिया जाएगा, कुछ प्रॉपर उस पे एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा या नहीं, दैट्स दैट वुड बी अनदर स्टोरी आई गेस। मेरा ये ख्याल है कि एक्चुअली ये तकरीबन कंप्लीशन के करीब है। इसमें जो इसके कंसल्टेंट हैं जो कि जो स्पेनिश कंसल्टेंट हैं उन्होंने इसको डिज़ाइन किया, मैंने इसके डिज़ाइन देखे हैं, लेकिन चूंकि वज़ीर आला पंजाब की उसके प्रेजेंटेशन का हिस्सा थे इसलिए एलडीए थोड़ा सा रिलेक्टेंट था कि जब तक उस्मान बुज़दार साहब देख नहीं लेते तो हम इसको लीक करने में जो है ना मसला हमारे लिए। बहरहाल जो मैंने प्लान देखा है वो बहुत खूबसूरत है और उसके मुताबिक अगर ये एग्जीक्यूट करते हैं और कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कितने टाइम में इसको ये टाइम फ्रेम जो क्योंकि इसमें गैर मुल्की माहिरीन से मुशावरत भी की जा रही है मुकम्मल कर ली गई है, उन्होंने डिजाइन कर दिए। अब इसका सिर्फ एक इशू है फाइनेंस मैटर, कि फाइनेंस का मैटर क्या होगा, क्या गवर्नमेंट पैसे देगी, क्योंकि जो 44 कनाल का पार्क है उस पर कोई 12 से 10 करोड़ का तखमीना लगाया गया है, जो 24 कनाल का पार्क है उस पर कोई तखमीना जो है वो 5 से 6 करोड़ लगाया गया है, जो इको फ्रेंडली ब्रिज है उस पर NGO एक है बिनाले फाउंडेशन वो उस पर वर्किंग कर रही है, उनके साथ वो कोलेबोरेशन करने को तैयार है। लिहाजा दो प्रोजेक्ट तो फंडिंग के लिए अभी सोच रहे हैं क्या करना है, फंडिंग कहाँ से करनी है। एक प्रोजेक्ट पे ये जो आपकी NGO है उसने हिस्सा डाल दिया है, तो चीज़ें चल रही हैं आगे लेकिन बहुत स्लो चल रही हैं। और मेरा ख्याल है कि संभलते संभलते एलडीए को साल तो कम से कम लग ही गया है और अब वो चीज़ें सीधी कर रहे हैं कि आखिर हमारी सिमत है क्या, हमने किस तरफ चलना है, हमने पब्लिक फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, हमने अवेयरनेस। मेरा सवाल फिर वहीं पर है दुरन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जी दुरन, आप मैं अपना सवाल दोबारा से पुट करूंगी कि जो पहले से मंसूबे हैं चाहे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की मद में है, वो एंटरटेनमेंट की मद में है, ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन है, चलिए मैं एंटरटेनमेंट का पॉइंट रेज कर रही हूँ, इसलिए जहाँ पे लोगों को तफरी मिल सकती है, आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है वो शहर के अतराफ में बनाने थे, फिर मुझे याद है एक हर जोन में कम्युनिटी पार्क बनेगा, कम्युनिटी सेंटर्स बनेंगे, क्या हुआ उन प्रोजेक्ट्स का, क्या शहबाज शरीफ के बॉक्स में वो प्रोजेक्ट अबैंडन कर दिए गए? नहीं, अबैंडन नहीं किए, उसको फ्रीज कर दिया मैं समझता हूँ, और उसको वो प्रोजेक्ट जितने भी हैं उसके फाइनेंस और उसके प्रोजेक्ट का जो वर्किंग है वो इस वक्त जमूत का शिकार है, और उनके फ्रीज होने से ना उन पर कोई डेवलपमेंट हो रही है ना कोई उनको फंड रिलीज किए जा रहे हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करूं कि 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने थे, उनके अंदर स्पोर्ट्स जिम बनने थे, स्विमिंग पूल्स बनने थे, कम्युनिटी क्लब बनने थे, और हर हलके जो कि नेशनल असम्बली का हलका था उसके जो तकसीम से वो हलकों में तमाम तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाने थे, वो तकरीबन कोई 30% पे खड़ा है, कोई 40% पे खड़ा है, कोई 50% पे खड़ा है, और उसके फंड्स जो हैं वो तकरीबन नहीं दिए जा रहे, उसकी मंजूरी भी तकरीबन नहीं दी जा रही, फ़ंड रिलीज़ करना तो दूर की बात, ठेकेदार काफ़ी मुश्किल का शिकार है, ज़ाहिर बात है पैसा नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, वो अबंडेंट होते नज़र आ रहे हैं, और अब वो स्टेज पर थे कि उनको आप बिल्कुल रोल बैक नहीं कर सकते थे क्योंकि सिविल स्ट्रक्चर बन चुका था, खंडर बन चुके थे जो अब तब्दील हो चुके हैं खंडरों में, उसके बाद उनको कंप्लीट नहीं किया जा सकता था जब तक पैसे ना दिए जाते, अरबों रुपये उसमें डिफॉल्ट है, हुकूमत पंजाब ने पैसे देने हैं, ठेकेदारों के देने हैं, एलडीए के देने हैं ताकि वो आगे प्रोजेक्ट चलाया जाए, नहीं चल रहा। इसके साथ पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के प्रोजेक्ट थे वो इल्तवा के शिकार हैं, आपके बहुत सारे जो फ्लाईओवर्स के प्रोजेक्ट है वो इल्तवा के शिकार है, मसवाए एक फ्लाईओवर जो कि शाकाम चौक पे बनाया जा रहा है उसको तेजी से आगे ले जाया जा रहा है। चलें जी, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो मंसूबों को अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स फ्रीज कर दिया गया है, मेरे लिए कुछ वैसे कोई फर्क नहीं है फ्रीज करने में और अबैंडन करने में, लेकिन चलें हम यही ले लेते हैं फ्रीज किया गया है वो कब खुलेगा और ये जो एग्जीक्यूशन इस प्लान की शुरू होगी वो कब तक होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अभी मैं आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे रही थी एहतसाब अदालत से, जहां पर नवाज शरीफ को आज रमज़ान शुगर मिल्स केस में पेश किया जा रहा है। सिक्योरिटी के सख्त हिसार में उन्हें लाया गया है और लीगी कारकुनों को PMLN की तरफ से कॉल दी गई थी कि सपोर्ट करें, और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद भी हैं एहतसाब अदालत के बाहर। दुरान नायब क्या कहेंगे? नायब आज 15 रोज़ा जिसमानी रिमांड की इस्तदा करेगी नवाज शरीफ से। मेरा तो ये अपना ज़ाती ख्याल है और मेरी एक मशवरा भी है कि एक दफ़ा ही गिरफ्तारियाँ डाल लें। वैसे तो सिमल मेरा ख्याल है कि तमाम केसेस को एक साथ ही इन्वेस्टिगेट कर लें, इससे उनका भी वक्त बचेगा, कौम का वक्त भी बचेगा और हमें आगे चलने में मदद मिलेगी। क्योंकि एहतसाब के अमल को जितना भी आप डिले करते हैं, तो एक बड़ी मशहूर भी कहावत है कि इसको जितनी ताखीर किया जाता है तो आप उससे एहतसाब के अमल से इनकारी होते हैं। तो इसको इनकारी की तरफ ना लिया जाए, और इसको मेरा ये ख्याल है कि एक के बाद यके बाद दीगरे केसेस बनाने से बेहतर है कि आप एक क्लब केस करें और कंटिन्यूसली आप उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, ख़ुद भी तदादाद से निकलें, कौम को भी तदादाद से निकालें, कन्फ्यूजन की जो सिचुएशन है उससे इस कौम को निकालें, पता लगे दूध का दूध पानी करें और अदालत में साबित करें तमाम वो इल्ज़ाम जो आप लगाते हैं या जो भी किसी भी उठाए जाते हैं, उसको साबित करने से पहले बार बार आप देखें एक चोर सिपाही का खेल चल रहा है कि एक केस में गिरफ्तार होते हैं, उसमें जमानत हो जाती है, जेल चले जाते हैं, फिर जेल से वापस आ जाते हैं, फिर अगले केस में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, फिर सजा हो जाती है, जेल काट रहे होते हैं, फिर एक और केस चल पड़ता है, ये जिस्मानी रिमांड मांग लेती है। अच्छा मुझे बताएं, इदारे की इस्तेदाद कार पे होगा, मुझे बताएं नैब क्या चाहती है कि जेल से 15 रोज के लिए वो नैब ऑफिस शिफ्ट हो जाए, इज इट पॉसिबल? जो कल वाली प्ली थी उसमें तो यही था जी कि जब हम कोर्ट लखपत जेल जाते हैं या हम जहाँ पे अदालत में उनसे अपनी अदालत की इजाज़त के साथ उनसे तफ्तीश करने जाते हैं तो वो हमसे तावुन नहीं करते जेल में, तो हमें इसलिए गिरफ्तार करके उनको नैब लेके जाना है ताकि हम फिर उनसे इन्वेस्टिगेशन कर सकें और उसके लिए जिस्मानी रिमांड दें। ये मेरा ख्याल है कि एक किसी भी मुलजिम को या किसी भी मुजरिम को या किसी भी ऐसे बंदे को जिस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उसको जहनी तौर पर तोड़ने और जहनी तौर पर कमज़ोर करने के मुख्तलिफ टैक्टिक्स होते हैं। जिस तरह आपने देखा कि मरियम नवाज को भी उनके सामने गिरफ्तार किया गया वालिद साहब के, और उनके सामने गिरफ्तार ना करते तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, आप बाहर से गिरफ्तार कर लेते, किसी उनके घर से गिरफ्तार कर लेते, उनको कहीं और से गिरफ्तार कर लेते, कैसे लगेगा? स्टंट्स, यही बात है कि ये जहनी तौर पर किसी भी इंसान को जिस पर इल्ज़ाम हों या वो मुजरिम हो या वो मुलजिम हो किसी भी स्टेज पे हो, तो जब वो दुरे नायब चले इस पे मैं कोई ज्यादा उस पॉइंट पर नहीं जाऊंगी जिस पे आप बात कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आपने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो कहीं ना कहीं आप मुल्ज़िम को साइकोलॉजिकली प्रेशराइज भी करते हैं, और ये तरीकेकार नैब में नहीं है, ये हर जगह होता है। Exactly. आप पुलिस में देख लें, आप FIA की इन्वेस्टिगेशंस में देख लें, कहीं ना कहीं आपको इमोशनली साइकोलॉजिकली प्रेशराइज किया जाता है। मेरा पॉइंट ये है सीमल कि हम इससे ना मजीद बहसियत कौम कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। हम अब एक साल हो गया तकरीबन, आप समझ लें बहुत ज्यादा चीज, एक साल और लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, लेकिन किसी जगह भी तो इस केस को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा कि नहीं पहुंचाया जाएगा। नैब के हवाले से अगर बात की जाए तो ये वाहिद केस नहीं है, आप ब्यूरोक्रेट्स के केसेस देख लें जो नैब के अंडर मतलब उनकी हिरासत में है और तफ्तीशें चल रही हैं, किसी का जिस्मानी रिमांड है, किसी का जुडिशल रिमांड है मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए, और बहुत मरतबा तो अदालत बरहम भी हो चुकी है, ये भी आप जानते हैं, बिल्कुल, क्योंकि नैब जो बात करती है, जो बयान देती है, उसके सबूत फराहम नहीं कर पाती है। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है ये बेसिकली That is making you confused कि असल में जो इल्जाम लगाया जा रहा है क्या वाकई में उसके सबूत हैं भी या नहीं। राणा सनाउल्ला केस आप देख लीजिए, 100 दिन से ऊपर गुजर गए, क्या केस बाकायदा शुरू हो चुका हो सका है? जो शहरयार आफरीदी साहब बयानात देते हैं, क्या वो एक्चुअली अदालत में प्रूफ कर सके? अदालत भी कहती है जी कि हमें वो वीडियो ही लाके दिखा दें जिसके तहत आप कहते थे कि हमारे पास वीडियो है, हमने गिरफ्तारी की, मौके से बरामदगी की, टीवी चैनल्स प्रोग्राम में उन्होंने बरमला बोला, और कभी ये बोल देते कोई फिल्म थोड़ी है जो हम शूट कर रहे थे। अब आप या हम तो ये नहीं कह रहे, ये तो अदालत कह रही है, अदालत कहती है कि फिर कोई आप हमें जो आपका है सेफ सिटी प्रोजेक्ट की उसी की कोई फुटेज ला दें, कोई चीज तो ला के देना जिसमें कोई एविडेंस का हिस्सा बनाया जाए कि बाकायदा रेड हुई थी। मैं सीमल जाती अच्छा, तौर एक पे, और चीज जो लास्ट टाइम मैंने नोटिस की जो केस की समाअत के दौरान ये भी हुआ कि शहरयार आफरीदी साहब जो वज़ीर मुमलिकत हैं उन्होंने बहुत दफा इस चीज को मेंशन भी किया कि 3 हफ्तों से हम रैकी कर रहे थे और बहुत दफा उनके साथ घर की खातिन थी जिसकी वजह से हमने उनकी गाड़ी को नहीं रोका, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है। Exactly. और जब अदालत में राणा सनाउल्ला के वकील ने पूछा कि भाई हमें सबूत फराहम करें, आपके पास ऐसा कुछ था, he couldn't provide any proof, because वो कहते हैं कि वज़ीर मुमलिकत की स्टेटमेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। देखिए अब सिमल, तो आपके पास क्या क्या कंफ्यूजन पैदा कर रहा है? आपके पास अगर इतनी मजबूत रेकी थी, आपके पास इतनी ज्यादा होमवर्क था, होमवर्क के साथ साथ आपके पास लाइन ऑफ एक्शन था,
तो फिर क्या ऐसी मजबूरी होगी कि अब एविडेंस फ्राहम नहीं किए जा रहे? इन ख्यालात से अगर कोई भी बंदा हो, कोई मुस्बत आदमी भी हो, जितना भी अनबाइस्ड आदमी हो, उसके जहन में भी शकुक व शुभात जो है वो उठते हैं और वो इस चीज को कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। आज के केस के हवाले से, रमजान शुगर मिल्स केस के हवाले से और इस मुनासबत से दीगर लोगों से भी इन्वेस्टिगेशन आपको पता है कि चल रही है और लीगी रहनुमाओं से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें अब नवाज शरीफ का नाम जब आया तो उनको आज एहतसाब अदालत पेश किया गया है। कॉल दी गई थी कि लीगी कारकुनान एहतसाब अदालत के बाहर पहुंचे, लेकिन जिस तरह के मनाजर और सिक्योरिटी मैं देख रही हूँ, इवन मीडिया कैमरा को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जी आप देखें, सेक्रेटेरिएट से तो सारे रास्ते बंद कर दिए गए कंटेनर्स लगा के, और रात 8-9 बजे के बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी गई थी। मुझे समझ नहीं आती है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एहतसाब अदालत में जब समाज चल रही होती है तो उसके इर्द गिर्द के जो कॉलेजेस हैं उनका क्या हाल होता होगा? एमएओ कॉलेज, जीसी कॉलेज, सिविल लाइंस कॉलेज और आस पास ही है ना? देखें बिल्कुल, और सेक्रेटेरिएट हो गया, वहां पे बड़ी तादाद में लोग आते हैं। पीएनडी आपके पास है, उसके अलावा स्पेशल एजुकेशन, मुख्तलिफ आपकी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनी कर्फ्यू सा लग जाता है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि अंदर इस टाइम जो लोग महसूर हैं, खुदा ना खासा किसी को इमरजेंसी हो जाए, किसी ने कहीं जाना है, किसी ने आना है, कोई प्रॉब्लम है, वो तो खत्म हो गई कहानी। फिर जब अंदर बैठे लोग जो सरकारी मुलाजिम है, जो उन इदारों में, उनके लिए जाने के लिए इतनी प्रॉब्लम है, तो कारकुनान कैसे पहुंचेंगे सीमल? ये तो बहुत ही एक अजीब सा सिचुएशन है कि हम कहें जी कारकुन नहीं पहुंचे, ये हो गया जी वो हो गया। लोग मुझे नजर आ रहे थे और मुसलसल मेरे कान में नारे भी बुलंद हो रहे थे अपने। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कैप्टन सफदर पैदल चल के अच्छा खासा ट्रैक कवर करके मैं सिर्फ सीमल इस चीज पे एम्फेसिस मेरा बार बार जोर होगा कि अदालतें और हम बहसियत कौम अभी भी अपने तहकीकती इदारों पर बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं, और इस एतमाद को मंतकी अंजाम तक लाने के लिए, मजीद इजाफे के लिए जरूरी है कि बहुत सारे केसेस को संजीदा बुनियादों पे और मेरे ख्याल से एंड पे लाया जाए। दुरनयाब अदालती इंसाफ पे सबको ट्रस्ट है और दैट इज द प्राइम एंड अल्टीमेट पॉइंट जहां पर जाकर आप उनके डिसीजंस के ऊपर ना तो कोई सेकंड ओपिनियन आता है और आप उस पे ट्रस्ट भी कर लेते हैं, और अदालतें मैक्सिमम टाइम देती हैं। मेरा ख्याल है ज्यादा दे रही हैं, कीजिए आपका जो इल्जाम है आप उसको प्रूफ कीजिए, लेकिन अगर इदारे ही डिलीवर करने में नाकाम हो जाएंगे तो फिर सिमल रूटीन से ज्यादा केसेस में वक्त दिया गया। मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक केस में नौयत के केसेस हैं, हाई प्रोफाइल लोग नॉमिनेट हैं इसमें, जाहिर है हमें भी ये बनता भी है जी, हमें भी बहसीय जर्नलिस्ट जो है बहुत सारे एविडेंसेस के लिए अदालतें बुलाती हैं और बड़े एहतराम के साथ बुलाती हैं कि उनके एहलकार हमें ये नोटिस देते हैं जी कि आपको अदालत मुआवनत के लिए बुला रही है। और मैं एक केस में खुद पेश हुआ, वो केस था एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में, तो जज साहब की बहुत मेहरबानी थी कि मुझे बाजूकर दूसरी पार्टी ने आंखें दिखाने की कोशिश की, तो जज साहब ने कहा कि ये अदालत के मुआविन है और अदालत के मुआविन के साथ अगर कोई ऐसा रवैया रखेगा तो अदालत उस पर तोहीन अदालत लेगी। तो वो इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर आप उनकी मदद करते हैं, आप जाते हैं एक्चुअली अ गुड जेस्चर जो हमें अदालती निजाम की तरफ से और हमें फिर एतमाद मिलता है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट फिर इदारों की तरफ से कुछ लोग, आप पुलिस डिपार्टमेंट ले लीजिए, कुछ लोग अभी तक 1.5 साल नैब की कारकर्दगी ने भी कुछ पानी का पानी दूध का दूध नहीं कर सके। ना यही कहते हैं ना कि तहकीक बार बार कर ले, तहकीक से पहले बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करना, चीजों को प्री एज्यूम करना, पहले से सोच लेना कि ऐसा हुआ होगा, इस तरह हो जाएगा, तो वो आपको नाकामी की तरफ लेके जाता है। और कुछ लोगों की वजह से, कुछ चंद लोग हैं बहुत आटे में नमक के बराबर, जो इस तरह की स्ट्रेटेजी रखते हैं कि पहले से चीजों को डिस्क्लोज करवा देते हैं मीडिया पे, मुख्तलिफ फोरम पे, उसके बाद चीजें वैसी निकलती नहीं है, तो फिर सबकी इदारों की भी होती है और हमारी भी। टाइम इज, वो जैसे कहते हैं ना कि टाइम इज इम्पोर्टेंट, तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस करवट बैठता है ऊंट, नैब वाकई में सबूत फराहम कर पाती है, इन्वेस्टिगेट कर पाती है या नहीं, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा, उससे कहना कुछ भी पहले वो कबल अज वक्त होगा। इसी के साथ मैं अगली खबर की तरफ जाना चाहूंगी। दूसरी तरफ जी, ग्रैंड हेल्थ अलायंस हड़ताल किए बैठी है, अस्पतालों में इलाज मुआवजा बंद है, और दुरनयाब पहले ही ये कॉल दे दी गई थी कि मंगल और जुमेरात को डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस बनाया गया है, इवन नर्सेस, ये प्रोटेस्ट करेंगे और MTI एक्ट जो है उसके खिलाफ। देखिए जी, हमने इस पे दो मौकफ हैं। कल हमारे एक दोस्त हैं, सेक्रेटरी साहिब हैं, उनका उन्होंने नाम डिस्क्लोज करने की तो खैर बात मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ना किया जाए, लेकिन उनका ये कहना था कि हम अब डॉक्टर्स के तमाम जायज़ मुतालबात 90% मान चुके हैं, उसके बावजूद पंजाब में इस तरह से हमारे साथ ये सलूक रवैया रखा जा रहा है। बताइए क्या MTI एक्ट रिवर्स हो रहा है जिसके तहत डॉक्टर्स की सरकारी मुलाजमत का दर्जा खत्म हो जाएगा? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो मैंने नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि जब वो हमारे मरीजों के मुफ्त इलाज की जो
डोर है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हाथ में चली वो जाएगी, क्या कहते हैं ये जी, वापस लिया जा रहा है? जब हमारे साथ ये बैठते हैं तो 90% एग्री होके उठते हैं, जब बाहर जाते हैं तो सियासत करना शुरू कर देते हैं। ये एक वर्जन है, ये मैं गवर्नमेंट का वर्जन एक तरफ रखता हूँ। दूसरी तरफ मेरी कल केपी के गवर्नमेंट के भी कुछ डॉक्टरों से बात हो रही थी, जाती दोस्त है मेरे वहाँ पे, वो ये कह रहे थे कि अगर आप इधर आके हालात देखें तो आपको दुनिया मुख्तलिफ नजर आएगी। हमारे अच्छी साथ है बुरी? बुरी, हमारे साथ कहते हैं जो बदतरीन सूरत हाल डॉक्टरों के साथ केपी के गवर्नमेंट और केपी के पुलिस जो कि मोस्ट रिफाइंड बकौल हुकूमत के हो चुकी थी। आपने उनके प्रोटेस्ट के बाद वो वीडियोस पिक्चर्स और कहते हैं कि अभी तक पे हमने उसको हाईलाइट किया, उनकी मोहब्बत डॉक्टर्स को तशद्दुद का वो निशाना कहते हैं बनाया कि गया। उनकी मोहब्बत के जो निशानात हैं वो हमारी कमरों पर मौजूद हैं, लाठियों के निशानात जो हैं वो आज भी बोलते हैं। और ये वो पुलिस रिफॉर्म्स की बातें हैं जो आप उसको इवेल्युएट कर लें। मैच्योरिटी ड्यू एक्सपेक्ट फ्रॉम केपी के गवर्नमेंट जहां पर एक प्रोविंशियल मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये कहते हैं कि हमने इनको नौकरियां दी हैं वरना ये डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तो खैबर बाजार में पकौड़े लगाते थे। और इलेक्शन से तो पहले ये क्या कहते अगर थे? हाल होगा सीमन, तो इलेक्शन से पहले ये क्या हाल कहते थे? इलेक्शन से पहले क्या कहते थे कि तौबा तौबा ये कैसे हो सकता है कि डॉक्टरों को असातिज़ा पे हाथ उठाया जाए, उनको सड़कों पे लाया जाए, उनको घसीटा जाए? ये जो आपके मुल्क की क्रीम है ये भी केपीके की तर्ज पर ही किया जा रहा है ना, और वहां पर कई सीनियर डॉक्टर्स जो है वो इस सिस्टम से आउट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। और ये वही एक्ट है डॉक्टर यास्मीन राशिद जिसकी मुखालफत करती थी। आप उसको राइज करने जा रहे हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा पंजाब पुलिस को एक पॉइंट दें कि उन्होंने अभी तक अपने जो असाब पे ना वो काबू पाया हुआ है केपी के गवर्नमेंट की पुलिस की तरह के, शुक्र है जो हालात उन्होंने उनके साथ किए अभी तो शुक्र है पंजाब पुलिस ने। पंजाब पुलिस के ऊपर और बड़े इल्जाम मजीद नहीं लेना चाहते। और पंजाब पुलिस जो है वो बड़ा इनका एक कामयाब प्रोटेस्ट कुछ दिन पहले हुआ है, पूरा इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, तमाम हॉस्पिटल्स को बंद किया, वहां से इमरजेंसी नहीं डॉक्टर्स ने नहीं, तो उसके बावजूद भी अगर पंजाब पुलिस ने अपने आसाब जो है वो नहीं छोड़े तो मैं उनको जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और प्लीज इस पे कायम रहिएगा, मेहरबानी करके इस पे कायम रहिएगा दूसरे इश्यूज का, क्योंकि डॉक्टर्स की ग्रीवेंसेस जो हैं वो अब बहुत ज्यादा मरीजों के साथ है, मरीजों की हमदर्दियों के साथ उनके ग्रीवेंसेस जो हैं, जो उनकी शिकायत हैं, जो उनके गिले शिकवे हैं वो जुड़ गए हैं। अगर वो एमटी एक्ट की बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, निष्कारी की बात कर रहे हैं, तो जहां वो अपनी रोजी रोटी को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल पूछूं आपसे जी, आपकी अगर इजाजत है जी तो। जी हुक्म। डॉक्टर हड़ताल करेंगे तो मरीजों को कौन चेक करेगा? ये मैंने आपसे ये मैंने आपके सवाल सूबे के हेड पूछ रहे हैं सरदार के प्रोग्राम में डॉक्टर आतिफ से, याद है आपको डॉक्टर आतिफ प्रोग्राम में थे तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था लेकिन उन्होंने इसका क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। मेरा एक ही क्वेश्चन उनसे था, बाकी तो क्वेश्चन आपने किए कि जी आप इलाज क्या करेंगे, आप मरीजों को ख्वार क्यों करेंगे, आप उसके पैरेलल क्या करेंगे? अजीब लगता है आप ये सवाल पूछे। मैं ये सवाल पूछूं तो समझ आती है कि हम जर्नलिस्ट हैं, हमें हर साइड की बात करनी है। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द प्रोविंस जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो ये सवाल पुट करें, आजकल बहुत वाइब्रेंट है, तो अजीब लगता है कि भाई आपने इसको ठीक करना है, आपने उनसे मुजाकरात करने हैं, बैठकर बात करनी होगी। देखिए कल एक हुकूमती फोरम पे मेरी बात हो रही थी तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि उस्मान बुज़दार साहब को जो कि वज़ीर आला पंजाब है इस वक्त, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, उनको अब चाहिए कि वो लोगों को बुलाएं अपने पास जो जो एहतजाजी हैं। अगर उन्होंने कहा मामला बैठकर हल किए जा सकते हैं तो सर बुला लीजिए ना, वो डॉक्टर डॉक्टर्स और ग्रैंड हेल्थ अलायंस तो ये कहती है डॉक्टर यास्मीन राशिद बात करना गवारा नहीं। वो टीचर्स हैं, वो ताजर हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो कोई भी है, उस्मान साहब बुलाएं अपना, अपनी टीम को भी क्रॉस चेक करें ना कि उन तक जो खबरें मिनिस्टर्स लेके पहुंच रहे हैं आया वो दुरुस्त है या नहीं, नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम यहीं से इसका सबसे बड़ा ये फायदा होगा, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ हेल्थ इश्यूज मजीद भी डिस्कस करेंगे, चाहे वो पोलियो के हवाले से है या डेंगू के हवाले से है, और ओवरऑल सोसाइटी का एटीट्यूड क्या है, किस तरह हम पॉजिटिव बना सकते हैं, इस पर बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे थे और कल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। मिस्री शाह में सर्वेलेंस के दौरान एक खातून डेंगू वर्कर पर तशद्दुद किया गया। मुलजिम हसन मसूद ने तशद्दुद के बाद सीढ़ियों से धक्का दे दिया और फिर उसे हस्पताल दाखिल कराया गया। मैं बहुत क्रिटिसाइज़ करती हूँ गवर्नमेंट की नाकाम पॉलिसीज़ पर, उनके नाकाम इकदाम पर जहाँ वो फेल होते नज़र आते हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है और दुख होता है कि मैं इस सोसाइटी का हिस्सा हूं जहां पर इस कदर जाहिल लोग मौजूद हैं कि आपकी
हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए ये लोग आते हैं, डेंगू सर्वेलेंस करते हैं, स्प्रे कराते हैं, पोलियो हो जाएं वर्कर्स, डेंगू वर्कर्स हो जाएं, आप उन्हीं को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। क्या करना चाह रहे हैं हम इन सोसाइटी? दुर्रनाय आप क्या कहेंगे? देखें, फिर मैं इसमें बात करूंगा, जब स्टेट प्रोटेक्ट नहीं करेगी अपनी एक्टिविटीज़ को जिनके बिहाफ पे आप लड़ रहे होते हैं। मैं तो कल उनकी बेबसी पे हैरान था बेचारे, कि डेंगू वर्कर्स खुद ही एहतजाज कर रहे हैं कि जी हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। भाई स्टेट किधर है? स्टेट इस चीज़ की जिम्मेदारी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो जाके इस चीज़ को खुद मॉनिटर करें। मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर एटलीस्ट अब उस घर पर जाके जो डेंगू कानून के तहत जो सर्विलेंस में तावुन नहीं करता, जो चेकिंग में मसाइल खड़ा करता है, जो सरकार में मदाखलत करता है, ठीक है, उसके मुताबिक उस पर एक्शन ले। बिल्कुल सही, यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फुटेज भी दिखाएंगे। इसी के साथ एक ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में मैंने अपने लाइव प्रोग्राम में फूड पैंडा ऑर्डर किया था, और फूड पैंडा के जरिए ऑर्डर किया और फिर उसके बाद हमने खूब खाया, मज़े किए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज भी हम करें, और उनकी जो आजकल एक कैंपेन चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन है, किचन को ताला लगाओ फूड पैंडा करो, और मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे सूटेबल है ये, क्योंकि ना तो मुझे कुकिंग आती है, ना मुझे कुछ पकाना आता है, और फिर क्विक डिलीवरी जब हो जाती है फूड की विद इन टाइम तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने सोचा कि आज फिर आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं उनका टाइम चेक लेते हैं कि उनके पास टाइम कितना है। तो हम फूड पैंडा की एप्लीकेशन खोलेंगे और देख सकते हैं आप मेरे मोबाइल में कि फूड पैंडा की एप्लीकेशन है जिसको मैं ओपन करूंगी, और उसके बाद नेट अच्छा होना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था, और उसके बाद ये पूरी डिटेल्स जो हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां से आपको यहां पर अपनी लोकेशन डालनी होती है, जहां पर आप ऑलरेडी हैं, जहां डिलीवरी करानी है, और यहां पर आपको किस तरह का खाना चाहिए वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद जो होता है ना कि टाइमिंग लगाई होती है, बैटरी बड़ी यूज़ होती है इसलिए वो ब्लैक हो गया था। एनीवेज, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं पिज़्ज़ा पराठा जो है वो खाऊं, तो मैं यहाँ पर जो ये ऑप्शन है यहाँ पर मैं टाइप करूँगी कुछ भी पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा पराठा, और वो सारी ऑप्शन मेरे पास खुल जाएंगी जगहों की मुनासबत से। तो मैं अभी देख लेती हूँ कि मुझे क्या खाना है और मुझे कहाँ से ऑर्डर करना है, एंड इट्स वेरी क्विक, आप बड़ी जल्दी से उसको ऑर्डर कर सकते हैं। दुर्रनयाब, आप खाना पसंद करेंगे? मुझे तो ये आपसे लड़ाई करनी पड़ेगी कि पिछली बार आपने इतना फूड पांडा से कुछ मंगाया और हमें यह प्रोग्राम में चाय पिला के आप फारिग कर देती हैं, ये तो बड़ी ज्यादा है। अरे नहीं, आज आपको खाना भी खिलाएंगे, मैं अभी इसलिए आपके लिए ऑर्डर। मुझे एक डील बड़ी अच्छी लगी, कुछ दिन पहले मैंने मंगवाई, वो 180 रुपए में इनका रोल पराठा है, जो कि एक्चुअली एक 150 का एक है, लेकिन 180 रुपए में दो दे रहे हैं प्लस कोल्ड ड्रिंक भी दे रहे हैं। ये डील्स इतनी अच्छी, ये डील बड़ी अच्छी डील है, ये नहीं इसके अलावा और बड़ी डील्स है, और आप कहीं मतलब खुद जाकर ऑर्डर करें ना कि फूड पांडा पे ये डील चल रही है, तो वो आपको काउंटर वाले कहते हैं जी फूड पांडा से ऑर्डर करें, ये उसकी डील है, ये हमारी डील है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, और मैंने फटाफट से अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, और कुछ ही देर में हमारे यहाँ पर आ भी जाएगा और मैं लाइव जो है वो रिसीव भी करूंगी, और फिर आपको दिखाऊंगी भी कि आज मैंने क्या मंगवाया। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं, और हम खबर डिस्कस कर रहे थे डेंगू वर्कर्स के हवाले से, कुछ हमारे पास फुटेज भी है जो कल के मनाजिर है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है रात गए, पुलिस भी एक्टिव हुई। मैं इसमें गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराऊंगी, मैं उन लोगों को, उन जाहिल लोगों को जो नहीं समझते कि ये उनके लिए बेहतर है, चाहे वो पोलियो है, वो डेंगू है, वो हेल्थ वर्कर्स किसी भी पर्पस में बाहर निकली हैं, वो वैक्सीनेशंस के लिए ही क्यों नहीं निकली हैं, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों की हिफाजत के लिए निकले। मिसिंग चीज नजर नहीं आ रही मुझे, फिर वाकया पुराना हमारे डीसी साहब का याद आ रहा है कि इसी तरह एक पोलियो वर्कर पर तशद्दुद हुआ, फायरिंग भी हुई, ठीक है जी, उसके बाद वो बहरहाल पुलिस वहाँ पहुँची, पुलिस जहाँ के उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, और उस वक्त के डीसी साहब जो कि हमारे कैप्टन उस्मान साहब हैं, वो खुद उस घर में गए वापस दोबारा, वहाँ पे बच्चों को कतरे पिला किस, के किस बात पे हम कैप्टन कतरे पिला के वापस आए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे इसके साथ बदतमीजी की गई, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्या वहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का अमला या कुछ सरकारी बंदा वापस जाके सर्विलेंस को 100% यकीनी बना के आया कि नहीं आया? क्योंकि माजी में ये होता था, जहां पे मजामत होती थी वहां पे डेंगू वर्कर्स का, पोलियो वर्कर्स का मोराल हाई करने के लिए जो अमीर शहर होता था डिप्टी कमिश्नर, वो खुद जाता था और जाके, अगर वहां पे इस वक्त उस्मान साहब होते तो वो जाके हसन मसूद साहब के पूरे घर की
चप्पे चप्पे की तलाशी लेके, डेंगी सर्विलेंस करके, उसको ओके या डिस ओके करके वहाँ पे रिपोर्ट लिख कर फिर वापस आते, इसको खाली मुकदमे तक लेकिन ना अब छोड़ तो के ये आते। देखे ना, बियॉन्ड हो गया ये, डेंगू से तो आगे निकल गया ना, आपने डेंगू वर्कर को तशद्दुद का निशाना बनाया, आपकी रिट तो फिर भी वही रही ना वर्कर को, मतलब आप सीमल आप आपकी रिट तो वही रही ना, आपकी रिट तो फिर वही रही कि औरत को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, उसको वहां से निकाल भी दिया गया, बदतमीजी भी की गई। FIR का मुझे सिर्फ ये बताएं कि FIR से क्या हासिल होगा सिवाय सजा के? सजा हो गई उसको, लेकिन उस घर की सर्विलेंस क्या मुकम्मल तौर पर कर ली गई या अभी तक आपको नाकामी? या स्टेट की यह जिम्मेदारी है, स्टेट को वहां पे जाके पूरी तरह सर्विलेंस करनी चाहिए थी वहां जाके, और ये शो करना चाहिए था कि हम डेकी वर्कर्स के साथ खड़े हैं। आई हैव दिस एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट फॉर ऑल दिस पीपल, फॉर ऑल दिस वुमेन जो घर से बाहर निकलती हैं, चंद हजार की खातिर नौकरी करते हैं और इतनी मेहनत करते हुए लोग आप यकीन जानिए, मैं तो हमेशा कोई तारीफ नहीं कर रही, मेरे घर वाले भी चाय पूछते हैं, पानी पूछ लेते हैं कि आपको पानी चाहिए, आप आइए, आप देख लीजिए। ये एटीट्यूड कॉमन होने की ज़रूरत है, और ये जो शऊर है, ये बहस सोसाइटी कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं। बहरहाल इसी के साथ मैं एक अगली खबर की तरफ भी जाऊंगी, क्या करें, डिसअपॉइंटमेंट्स का अंबार है दुर्नया। CSS के नतायज में बताने जा रही हूँ जी, CSS के नतायज का कल ऐलान किया गया, कामयाबी का तनासुब पता है कितना रहा है, 2.56%, which is like अगर हम numbers की बात करें तो 372 candidates जो हैं वो कामयाब हो सके हैं। जब हम मतलब मैं तो हैरान जब हम हो पढ़ते गई थे यूनिवर्सिटी में, तो हम कहते थे ना कि चलो यार CSS भी अटेम्प्ट कर लें और कुछ नहीं, हम लोग पता लग जाएगा हम कितने काबिल हैं। कुछ तो हमारे दोस्त कहते थे कि हम तो हैं ही CSS क्रीम, हम तो इस आम नौकरियों के लिए नहीं अच्छा, बने। मैंने कभी नहीं सोचा ये। तो अब ये हालात है, अब आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कभी आइंदा, जो हालात इस वक्त हो गए हैं कि 372 उम्मीदवार सिर्फ कामयाब हुए हैं, ठीक है जी, और कामयाबी इस हद तक कि रिक्वायर्ड नंबर जो पासिंग मार्क्स होते हैं CSS पेपर्स में उनके वही आए हैं, अभी इंटरव्यू होंगे। दैट मींस कि अब मैं कह सकती हूं कि हमारे पास पढ़े लिखे लोग भी आप ये 372 लोगों से भी तकरीबन आधे से ज्यादा शेड हो जाएंगे, जब इंटरव्यू होंगे, जब उनका क्राइटेरिया बनेगा, जब उनके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, जब जाहिर है उसमें से तो आपको क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव आपका जो डिसीजन होगा, तो 372 ये तो अभी आई थिंक रिटर्न सिर्फ पास हुआ है ना, उसके बाद एलोकेशन इंटरव्यू। देखिए रिटर्न भी वो पास हुआ जिसको 100 में से 50 वाले को पास समझा जाएगा, अगर एक शरह निकाली जाए तो वो पास हुआ है। शरह थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है जी, तो शरह के हिसाब से जो पास होने वाले हैं उनकी ये तादाद है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंटरव्यूज भी क्लियर कर जाए। सिमल आपके मुल्क पाकिस्तान में जहाँ पे हम तब्दीली के साथ साथ तालीमी मैदान में भी बड़े दावे करते हैं, वहाँ पे हालत ये हो गई है कि सिर्फ 2% से जायद 3% से कम लोग इस काबिल हैं कि वो CSS का इम्तिहान जो है वो शरीक पता है कितने तहरीरी तौर पे पास करें, 14,521 और 14,521 लोगों में से आप इमेजिन करें सिर्फ 14,000 वो लोग हैं जो इसका इनिशियल क्राइटेरिया तहरीरी इम्तिहान में बैठने का क्राइटेरिया मीट करते हैं। अब ये पता क्या करने जा रहे हैं, ये करने ये जा रहे हैं, इसके बाद सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ लेकिन मैं थोड़ी डिटेल बता दूं, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, कुछ लोग उससे रह जाएंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, वो असेसमेंट की जाएगी, कुछ लोग उससे रह जाएंगे, फिर जुबानी इम्तिहान यानी कि जो इंटरव्यू फाइनल मरहला होता है वो भी लिया जाएगा, फिर एक्युमुलेटिव इसका मेरिट बनेगा, और जब मेरिट पे देखा जाएगा जो लोग मेरिट से नीचे हो जाएंगे वो सारे फारिग हो जाएंगे। मैं फिर भी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आधे लोग तकरीबन ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने हमारे पास आने वाले सालों में, हम आपको बता दूसरे मुल्कों से मेरा ख्याल डेपुटेशन में ब्यूरोक्रेट्स ने लेना शुरू कर दें जो मुझे हालात लगते नजर आ रहे हैं। तो खुदारा के तालीम पे तवज्जो दे गवर्नमेंट, और अपनी जो क्रीम है उसको निकालें, उसको सिक्योर करें, उसको रखें। कैसे तवज्जो दें, हायर एजुकेशन के 10 सेक्रेटरी तब्दील करके, जिनकी एक मिनिस्टर साहब से लड़ाई चलती है, तो ये जो 10वें मिनिस्टर सेक्रेटरी थे उन्होंने भी छोड़ दिया हायर एजुकेशन, फंड्स बंद कर रही है यूनिवर्सिटीज के, यूनिवर्सिटीज 100% फीसें बढ़ा रही है, ऐसे एजुकेशन आम करेंगे? आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ठीक है जी, बहुत सारे लोग जो टॉप आपके लिस्टेड लोग हैं वो तो मुल्क में रहना नहीं चाहते, वो तो कहते हैं जी कि हम बाहर चले जाते हैं, हम कोई और ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरे मुल्क से उनको ऑफर्स आनी शुरू हो जाती हैं, कंटिन्यूअसली उनको ऑफर्स आनी शुरू हो जाती हैं, और अल्लाह ताला ही हमारी पहली और आखिरी उम्मीद है। लेकिन आप जब एहसास दिलाएंगे कि डॉक्टरों को हम रोजी दे रहे हैं जी, अल्लाह ताला नहीं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आपसे कुछ नहीं हो सकता, ये अब मुझे लगता है कि बात फॉर श्योर होती जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया दुर्नया, अब आपका नाजन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। फटाफट से मोबाइल रेट्स पर नजर आ लेते हैं, मार्केट में कौन सा मोबाइल किस प्राइस पर अवेलेबल है। सबसे पहले मेरे पास है जी सैमसंग गैलेक्सी J6, मार्केट में ये अवेलेबल है 27,999 रुपीज़। सैमसंग गैलेक्सी J2 कोर 16,799 रुपीज़। Vivo V9 29,999 रुपीज़। Oppo A7 31,999 रुपीज़। और इसी के साथ बचत बाजार की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले सेल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं जी। सेल्स में सफायर है हमारे पास सबसे बड़े ब्रांड, जिस पर अप टू 50% तक आपको ऑफ मिलेगा। गुल अहमद आइडियाज, जिस पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। और आज की मेरी वार्डरोब है स्वीट 16 की जानिब से। आई एम लविंग दिस आउटफिट, आर यू? आप जरूर विजिट कीजिए उनके आउटलेट और ऑनलाइन भी। sweet16.pk के नाम से उनका ऑनलाइन बिजनेस है, अमैना मॉल में उनका आउटलेट भी है। बहुत ज़बरदस्त कट्स हैं, बहुत मज़ेदार फैब्रिक है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी। कारफोर अगर आप जा रहे हैं तो कारफोर पर आज देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। ब्लू बैंड है सबसे पहले, जिसकी रिटेल प्राइस है 190, प्रमोशनल प्राइस है 162, आप 28 रुपीज़ पर जा सकते हैं। फ्रेशर ऑरेंज जूस है, रिटेल प्राइस 129, प्रमोशन प्राइस 99, आप 30 रुपीज बचा सकते हैं। और अभी आपको प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आज के भाव शामिल करेंगे। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा मंडी की सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी नहीं देखी जा रही, और ये ऐसा कारोबार नज़र आता है कि जो इस वक्त मौजूदा हालात में सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार जो है वो नज़र आता है, क्योंकि जो सरकारी निर्खनामा जारी किया जाता है हुकूमत की जानिब से, उसके मुताबिक किसी भी जगह पर सब्जियाँ जो हैं वो फरोख्त नहीं की जाती और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो प्याज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 80 से 100 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं, इस तरह से टमाटर जो हैं वो 60 से 80 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं, आलू जो हैं वो 50 से 60 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि लहसुन जो है वो 320 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 350 रुपये तक जा पहुँचा है। इसी तरह से अगर घिया कद्दू की बात की जाए तो कद्दू जो है वो 100 से 120 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, भिंडी जो है वो 100 से 120 रुपये में फरोख्त की जा रही है, करेले अगर करेलों की बात की जाए तो करेले जो है वो 160 रुपये फी किलो तक जो है फरोख्त किए जा रहे हैं, मटर जो है वो 220 रुपये से लेके और 250 रुपये फी किलो तक जो है फरोख्त की जा रही है, गाजर 60 से 80 रुपये तक फरोख्त की जा रही है, मूली 40 से 50 रुपये में फरोख्त की जा रही है, नींबू जो है वो 200 रुपये से जायद में फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से शहरी जो हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे, और जो मुनाफा खोर माफिया है ख़ासतौर पर उसके खिलाफ जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो कि मुख्तलिफ मुराद हुकूमत की जानिब से लेते हैं, वो अपना काम करते नज़र नहीं आते, शहर के किसी भी इलाके में कीमतों को कंट्रोल करते नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से जो मनमानी कीमतें हैं वो वसूल की जाती हैं और जो सरकारी निर्खनामा है उस पर अमल दरामद शहर के किसी भी इलाके में नहीं किया जाता। जबकि आज अगर ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो ब्रायलर की कीमत जो है वो मुस्तहकम नज़र आती है, और मुर्गी का गोश्त गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी 2 से 3 रुपये फ़ी किलो में ही फ़रोख किया जा रहा है, जबकि जो फार्मी अंडे हैं उसकी कीमत भी मुस्तहकम नज़र आती है, और सरकारी निर्खनामे के मुताबिक जो फार्मी अंडे हैं वो 114 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जी हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जेनिथ शॉप पर नाजन अगर आप जा रहे हैं तो मीट रेट्स पर एक नज़र डालते हैं। बीफ आपको मिलेगा 570 में और बीफ कीमा है 750 में। मटन आपको मिलेगा 1578 में, मटन कीमा है 1670 में।
गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 140 में और उसका बना हुआ गोश्त 203 रुपए में। वर्ल्ड एग डे है जी, तो फटाफट से अंडों की कीमतों पर भी नजर डाल लेते हैं। रिटेल से अंडे आपको मिलेंगे 114 रुपए दर्जन, होलसेल पर 112 रुपए, गोरमे से अगर ले रहे हैं तो अंडे हैं 113 रुपए। और अब बिग स्क्रीन शामिल करेंगे और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे माल का हाल। तो एक नजर डालते हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। इसी के साथ एक ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और नाज़रीन बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हमारे जो टॉपिक्स हैं आज, दो टॉपिक्स हैं। एक तो ये है कि आपने अपनी स्किन ट्रीटमेंट्स कराने हैं, कुछ स्किन में चेंजेस करनी है, कुछ बेहतरी चाहते हैं, इवन टोन चाहते हैं, रंग बेहतर चाहते हैं, कुछ फेशियल कराना है या मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, तो राइट डॉक्टर कैसे सेलेक्ट करें, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सेकंड जो मेरा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है वो है वेडिंग सीजन, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अभी जैसे ही थोड़ा सा और मौसम बेहतर होगा और सफ़र ख़त्म हो जाएगा तो शादियां जो हैं वो शुरू हो जाएंगी और लोग इससे अमूमन 4 हफ्ते पहले, 6 हफ्ते पहले अपने कुछ स्किन ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं, स्पेशली ब्राइड्स करा रही होती हैं। क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए, विच इज़ गुड फॉर यू, विच इज़ नॉट, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर अज़ीम जहांगीर मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? डॉक्टर साहब डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थीटिशियन के लिए, कॉस्मेटिक सर्जन कह लें, मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ प्रोफाइल्स। और आपकी मैं मुंह पर तारीफ नहीं कर रही, बट पीपल टॉक अबाउट योर वर्क और मैं अक्सर प्राउडली फिर बताती हूँ कि हाँ हाँ, ही इज़ अ वेरी गुड फेलो ऑफ माइंड। सो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि राइट डॉक्टर सेलेक्ट करने का तरीकेकार क्या होता है? देखें, जो स्किन है, स्किन से जो भी रिलेटेड काम होगा तो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास तो जाएंगे। अब जो तमाम स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं वो एस्थेटिक प्रोसीजर्स में ट्रेन नहीं होते, इसी तरह जो प्लास्टिक सर्जन हैं वो काफ़ी दफ़ा कॉस्मेटिक सर्जरी में ट्रेन नहीं होते। हुआ जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसको शौक हो और जिसने डेडिकेटेड ट्रेनिंग ली हो वही ट्रेन होगा। और ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप किसी डॉक्टर को चूज़ करना चाहते हैं तो पहले तो ये देखें कि आप हार्ट वाले डॉक्टर से कोई ब्रेन का इलाज नहीं करवाएंगे, तो इसी तरह आप स्किन वाले डॉक्टर से ही स्किन का इलाज करवाएंगे। लेकिन वो स्किन स्पेशलिस्ट जो ट्रीटमेंट आप करवाना चाह रहे हैं उसमें वो कॉम्पिटेंट हो और उसने बहुत अरसे उसमें काम किया हो, उसकी आप डिग्री चेक करें, उसकी ट्रेनिंग चेक करें। सब हाउ कैन वी मेक श्योर, हमारे यहाँ पर लाहौर में पोश एरियाज में बड़े वेल डेकोरेटेड ऑफिसेज और क्लिनिक्स बनाए हुए हैं ऐसे लोगों ने, और आपको वो देखते हैं ना, देखते ही होता है कि हाँ ये एक अच्छी जगह है तो अच्छा ट्रीटमेंट होगा। बट इफ द डॉक्टर, इफ द पर्सन हु इज डूइंग इट इज नॉट अ डॉक्टर, दैट्स अनदर स्टोरी। और अगर वो डॉक्टर हैं और वो बकायदा ट्रेंड हैं या नहीं, ये एक अलग सवाल है। कोई भी अच्छा डॉक्टर जो है वो, अगर आप मुझसे पूछें या आपके पास जो क्वालिफिकेशन, और मैं आपसे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछूं, तो आप कभी भी नाराज नहीं होंगी अगर वो क्वालिफिकेशन आपके पास है। बट ये प्रैक्टिस नहीं है हमारे पास यहाँ। प्रैक्टिस यहाँ पे देखें, एज अ पेशेंट और एज अ कंज्यूमर आप लोगों को एजुकेट होने की ये जरूरत है कि बिल्कुल मत घबराएं किसी डॉक्टर से उसकी क्वालिफिकेशन पूछते हुए कि वो कहाँ पे उसने तालीम हासिल की, उसकी डिग्री चेक कर लें, दिखा दें उनसे। अगर कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो वो अपनी डिग्रियां आपसे शेयर करने में, अपनी प्रोफाइल शेयर करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। और अगर आपको, काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि कुछ ऐसी मेंबरशिप्स हैं जो कि बड़ी सस्ती सी ली जा सकती हैं, चंद हज़ार डॉलर में, वो मेंबरशिप्स जो हैं वो क्वालिफिकेशंस नहीं होती, उसके लिए बेहतर है कि आप किसी बहुत ही अच्छे और किसी स्पेशलिटी के डॉक्टर से मशवरा भी कर सकते हैं।
अगर आपने किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो जो लाहौर के जो बेहतरीन आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपके न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप अगर उनसे मशवरा करें कि जी ये डॉक्टर साहब ने कार्ड पे डिग्रियां लिखी हैं कि सचमुच ये क्वालिफाइड हैं, अगर कहते हैं कि जी अमेरिका में इतने अरसे पढ़े हैं तो वाकई क्वालिफाइड हैं। तो हम भी इतने मॉडर्न हो गए हैं कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं स्पेशली स्किन रिलेटेड और आप कुछ कंफर्म करना चाह रहे हैं तो जस्ट पुट दैट डॉक्टर्स नेम ऑन गूगल। अब वो गूगल में प्रॉब्लम कुछ एक अच्छी भली वो ये है कि काफ़ी दफ़ा जब एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, अब कुछ कंपनियां ऐसी खुल गई हैं जो कि सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए वो जो करते ही हैं कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए चाहे वो कॉम्पिटेंट हैं या नहीं हैं और उनसे फ़ी की शेयरिंग करते हैं। फीस ये शेयर करते हैं कि अगर डॉक्टर साहब ने लिया 2000 रुपया फीस तो कहेंगे जी हम 1000 रुपया लेंगे लेकिन पेशेंट हम किसी तरह घेर घार के आप तक पहुंचा देंगे। वो हमारे पास भी आई हैं कुछ कंपनियां और मैं बड़ा हैरान था कि ये तो वो गूगल की टॉप सर्च में आती हैं चूंकि वो एडवर्टाइज बड़ा करती हैं और वो आप जब उसका कोई डालेंगे फॉर एग्जाम्पल बेस्ट मनी इन्वॉल्व कमर्शलाइज हो गया उसका ये नुकसान है कि वो आपको अपनी तरफ से जो डॉक्टर साहब हमारा कुछ ऐसे ऑथेंटिक हैंडल नहीं है जहाँ पर डॉक्टर्स की एक्चुअल क्वालिफिकेशन आप जाके जब डॉक्टर से मिलें तो उनसे पता करें, उनको गूगल पे अगर आपने सर्च करना है तो उनकी क्वालिफिकेशन चेक करें, उनके ऑफिस में फ़ोन करें और जाके अगर एक कंसल्टेशन फीस दे के आप डॉक्टर से मिल के उनकी क्वालिफिकेशन चेक करें कि उनका कौन ट्रेन किसने किया उन्हें। नहीं आप कंसल्टेशन फीस ना भी दें पहले उनसे कंफर्मेशन कर लें और उसके बाद कंसल्टेशन फीस दे दें। नहीं और अगर डॉक्टर देखें जो डॉक्टर कहीं पे ट्रेन हुआ होता है अब मेरे जो ट्रेंड किए हुए डॉक्टर्स हैं वो बड़े फखर से कहेंगे कि डॉक्टर अदीम ने हमें ट्रेन किया और मैं बड़े फखर से बताऊंगा मैंने इन डॉक्टर्स को ट्रेन किया दे आर एज गुड एज मी। लेकिन अगर कोई अगर अमेरिका में अगर मैं ट्रेन हुआ हूँ तो आप जाके नेट पर चेक कर सकते हैं कि जी कहाँ से ट्रेन हुआ, कौन सी डिग्री ली, कौन सी क्वालिफिकेशन ली और कौन सी अमेरिका की साइड पे। और दूसरा ये बात है कि कुछ ऐसी अब कंपनीज आ गई हैं जो कि एस्थेटिक्स जो है अनफॉर्चुनेटली वो एक बिजनेस ज़्यादा और डॉक्टरी कम बन गई है। उससे नुकसान ये है कि काफ़ी दफ़ा नॉन प्रोफेशनल लोग भी जो नॉन डॉक्टर्स हैं वो भी करना शुरू हो गए जिनसे लोगों के मुँह भी जल जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं। तो ये बड़ा ही ज़रूरी है कि स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाया जाए और उस स्किन स्पेशलिस्ट के पास जिसको इन तमाम नॉन सर्जिकल टेक्निक्स का पता हो। और अगर आपने कोई सर्जरी करवानी है तो सिर्फ प्लास्टिक सर्जन होना जरूरी नहीं हो, प्लास्टिक सर्जरी के साथ साथ जिसने कॉस्मेटिक सर्जरी में जिसकी प्रोफिशिएंसी हो, जिसने प्रोसीजर्स किए हो, जिसने ट्रेन हुआ हो, ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। सो डॉक्टर साहब एक तो हम राइट डॉक्टर कैसे सेलेक्ट करें इस पर बात कर रहे थे, दूसरा वेडिंग सीजन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बहुत से लोग प्रोसीजर्स कराते हैं खासतौर पर ब्राइड्स या जिनके बहुत करीबी रिश्तेदारों की शादी होती है तो उनको अपना स्किन कुछ बेहतर करानी होती है, ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं जो इस सीजन में इन हो जाते हैं? देखें कुछ तो ऐसे हैं जो कि स्किन की सिर्फ रिजुविनेशन करते हैं, आपकी स्किन को ग्लो देते हैं, आपकी स्किन के अगर कोई दाने हो उसको ठीक करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स भी, कुछ दवाइयाँ भी हैं। और कुछ खवातीन के कुछ टेंशन में आके, कुछ स्ट्रेस में आके दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर तो आपकी जिल्द पे कोई दाने निकल रहे हैं तो फिर तो हम इलाज उसका अमूमन जो है वो दवाइयों से करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ी जिल्द को ग्लो देने के लिए, जिल्द को थोड़ा इवन टोन बनाने के लिए देयर आर मेनी प्रोसीजर्स और अमंगस्ट देम द मोस्ट कॉमन आर माइक्रोडर्मेब्रेशन एंड हाइड्रोफेशियल, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है स्किन को इवन टोन करने के लिए, ठीक है। अगर स्किन की थोड़ी सी और रिजुविनेशन चाहिए तो हम उसमें काफ़ी दफ़ा PRP का इस्तेमाल भी करते हैं, माइक्रो नीडलिंग एंड PRP इज़ वेरी वेरी कॉमन। इसी तरह एक चीज़ है जिसको हम स्कारलेट बोलते हैं, ये छोटी छोटी सुइयां नीडल्स की तरह की एक चीज़ है जो कि आपकी जिल्द में जाती है लेकिन ख़ास किस्म का करंट जो प्रोड्यूस करती है जिससे कि स्किन की स्ट्रेचिंग हो जाती है, स्किन में रिजुविनेशन आ जाती है, जो थोड़े बहुत हल्की सी टाइटनिंग भी हो जाती है और जो आपके गड़े हैं पड़े हुए कोई ओल्ड एक्नी से या किसी और स्ट्रेच मार्क्स हैं वहाँ बड़ी ये कॉमन है, स्ट्रेच मार्क्स में वेरी कॉमन विद PRP। तो और कुछ लोग जो हैं जो फर्ज करें जो ब्राइड या ग्रूम की जो मदर्स खासतौर पर रिश्तेदार हैं, करीबी बहनें, और अगर वो इस एज ग्रुप में जिसमें उनके थोड़ा बहुत कहीं झुरियाँ पड़ रही हैं तो उसके लिए रिंकल्स के लिए आप बोटॉक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अराउंड द आईज़, बड़ा अच्छा इसका काम होता है ऑन द फोरहेड। इसी तरह अगर किसी की थोड़ी सी जिल्द लूज हो गई है और जावल्स नज़र आने लग गए हैं तो उसमें हम लोग काफ़ी दफ़ा थ्रेड लिफ्ट कर सकते हैं, हाइफू जो है हाईली इंटेंस फोकस अल्ट्रासाउंड वो किया जा सकता है और फिलर्स किए जा सकते हैं जिसमें कि अगर कोई नेजोलेबियल फोल्ड हैं या आपने लिप को शेप देनी है या आपकी चीक बोन्स डिप्रेस्ड हैं तो ये तमाम आपके फेस को फीचर्स को एक तो मतवाजन करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं और काफ़ी हद तक यूथफुल लुक आ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो एक एक करके मैं ज़रा इनके ऊपर आना चाहूँगी। सबसे पहले आपने कहा कि नॉर्मल स्किन
जिनको ना एक्नी है ना स्कार्स हैं बट वो अपनी स्किन की ग्लो चाहते हैं, तो उसके लिए एक हाइड्राफेशियल का जिक्र किया आपने और एक और ऑप्शन माइक्रोडर्म एब्रेशन। अब कुछ लोगों को आई शौक होता है कुछ कराने, जिनकी स्किन पे कोई मसला नहीं होता, उनको शौक होता है मुझे कुछ नीटनेस चाहिए, मुझे ग्लो चाहिए, इवन टोन चाहिए। ये दो चीजें बहुत अच्छी हैं नीटनेस के लिए, और अगर आप नीटनेस के लिए तीसरी चीज इसमें कोई मिलाना चाहें तो फिर पीआरपी अलोंग विद दैट। सही, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इसके? एक्चुअली ये अब कोई नई चीज़ नहीं है, ये इट हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 3 decades और समथिंग लाइक दैट। तो तीन जो उसमें काफ़ी हद तक, लेकिन अब ज़्यादा कॉमन हो गया ना डॉक्टर? हाँ जी, यहाँ पे कॉमन हो गया, जो आपको जो साइड इफेक्ट्स जिस तरह मैंने पहले कहा जो मिलते हैं वो प्रोसीजर्स, मैं अमेरिका से कोई 13-14 years अगो आई मूव फ्राम अमेरिका आफ्टर 15 years ऑफ स्टे इन द US, यहाँ पे जब मैं नया आया था तो उस वक्त चूंकि प्रोसीजर्स कॉमन नहीं थे तो उसके साइड इफेक्ट्स भी कम नजर आते थे, चूंकि नॉन कॉम्पिटेंट हैंड्स नहीं कर रहे होते थे। अब ये जो प्रोसीजर्स हैं ये इतने बिनाइन और इतने सेफ प्रोसीजर्स हैं कि इसमें साइड इफेक्ट का होना बड़ा ही ज्यादती होगी, और वो अगर आप किसी कॉम्पिटेंट डॉक्टर के पास जाते हैं माइक्रोडर्मेब्रेशन जो है या कोई आपको मतलब यू नो उस तरह से लेकर चल रहे हैं तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि हम देखें हाइड्राफेशियल हो गया। दूसरा सवाल भी है मेरा इसमें कि सलोन्स पे जो फेशियल्स और वो वाइटनिंग फेशियल और हर्बल फेशियल और जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, मैंने भी कराए हुए हैं, वो कराने चाहिए या हाइड्राफेशियल कराना देखें चाहिए? अगर कीमत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और इंसिस्ट करेंगे कि डॉक्टर ही आपकी ट्रीटमेंट करे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में 90% आई वुड से वेरी वेरी सैड कि उसमें ये जो आजकल ज़्यादा मार्केट किए जाते हैं क्लिनिक उसमें बहुत दफ़ा टेक्नीशियंस कर रहे होते हैं। खुदारा टेक्नीशियन को तो इसका मतलब मैं कॉस्मेटिक का हूं तो मैं वहां पे लड़ाई डाल दूं कि मैंने डॉक्टर अजीम से कराना है वरना नहीं कराना। नहीं, डॉक्टर मेरे जो डॉक्टर हैं जो मैंने खुद ट्रेन किए हैं, वी हैव अबाउट 15 डॉक्टर, लेकिन मैं तो लड़ाई डाल दूंगी कि मैंने आपसे कराना, वो मैं भी कर सकूंगा लेकिन जो डॉक्टर्स हैं ना, जो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, मैं अपने किसी ऐसे जूनियर डॉक्टर को पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाने देता जिसने कम से कम 3-4 साल या 200-300 प्रोसीजर्स ना किए। I had experience in at cosmetic, मैंने लेजर कराया था, हेयर रिमूवल लेजर, तो वो जो डॉक्टर, she was very pretty and she was very competent, मतलब वो एक्चुअली मुझे फील हो रहा था कि बड़ा जबरदस्त तरीके से वो काम कर रही है, एंड आई थिंक ये फील जो है खास तौर पर फेस के मामले में जहाँ पर आप खूबसूरत होना चाहते हैं, खुदारा इन चीज़ों का ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि कहीं आपकी स्किन अच्छी होने के बजाय ख़राब हो जाए। अच्छा, इसके बाद आपने बोटॉक्स और फिलर्स का थोड़ा जिक्र किया, उस पर हम बात करेंगे, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।